हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर एट रियाज रिच अंकल्स मीन्स की मामाज होम लास्ट वीडियो में हमने देखा था टुडे वी विल फिल अप इन अवर वर्क बुक सो लेट्स गेट स्टार्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन तो लास्ट चैप्टर के जैसे ही यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है क्वेश्चन दिया है और उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं सो वी हैव टू चूज़ वन करेक्ट ऑप्शन एंड देन राइट इन दिस बॉक्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड रियाज़ अंकल मीन्स की मामा स्टे रिया के अंकल कहाँ पर रहते थे कहाँ सो ऑप्शन इज दमन वापी जयपुर बीच और वलसाड़ आंसर इज बी वापी सो वी हैव टू राइट इन दिस बॉक्स बी नंबर टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट देर ऑन अ ट्रेन टिकट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन टिकट में नहीं होती है डेट ऑफ जर्नी नेम ऑफ द ट्रेन द ट्रेन नंबर और एड्रेस ऑफ द पैसेंजर सो ट्रेन में पैसेंजर का एड्रेस नहीं होता है सो राइट ऑफ राइट आंसर इज डी एड्रेस ऑफ द पैसेंजर सो वी हैव टू राइट हियर डी नंबर थ्री वेर डिड रियाज फैमिली गो फॉर अ ट्रिप फ्रॉम हर अंकल्स मीन्स मामाज हाउस कहाँ पर गए थे वो ट्रिप के लिए तिथल दांडी दमन और सोमनाथ करेक्ट आंसर इज़ सी दमन सो वी हैव टू राइट हियर सी नेक्स्ट वॉट डिड रिया एंड हर ब्रदर डू ऑन जामपोर बीच मेड सैंड कैसल मेड सैंड बॉल्स बाथ इन द सी स्विम इन द सी आंसर इज ए मेड सैंड कैसल मीन्स कि वो क्या बना रहे थे सैंड हाउस बना रहे थे सो आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन इन वॉट डिड रिया हैव अ राइड इन द सी रिया ने सी में किसके अंदर बैठकर राइड किया था सवारी की थी इन्हें स्टीमर स्टीमर में बैठी थी वो हॉवर क्राफ्ट में बैठी थी इन होवर क्राफ्ट इन ए राफ्ट और इन ए बोट तो उसने बोटिंग किया था सो आंसर इज डी इन ए बोट सो वी हैव टू राइट हियर डी नेक्स्ट इज नंबर सिक्स हाउ डिड द सन लुक इन द इवनिंग ऑन द बीच कैसा दिख रहा था सन इवनिंग के टाइम पे बीच पर इट लुक वेरी ब्राइट इट वॉज सराउंडेड बाई स्टार्स इट लुक टू गोइंग डाउन इन द सी इट लुक एज इफ इट वॉज मीटिंग द मून तो वो क्या हो रहा था गोइंग डाउन द सी सी में नीचे जा रहा था ऐसा दिख रहा था सो आंसर इज सी इट लुक टू बी गोइंग डाउन इन दी तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है बॉक्स में सी लिखना है दैन क्वेश्चन नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड रिया ट्रेवल इन एंड डैश टू गो फ्रॉम वापिस स्टेशन टू हर अंकल्स मीन्स मामाज हाउस रिया मामा के घर पर जाने के लिए किस में बैठ कर गई थी वापिस स्टेशन से ऑटो रिक्शा से बैठ कर गए थे वो लोग सो आंसर इज ए आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू ऑटो रिक्शा नेक्स्ट रियाज फैमिली वेंट ऑन अ ट्रिप टू डैश बीच इन दमन दमन में कौन से बीच पर उन्होंने ट्रिप की थी आंसर इज जैमपोर जे ए एम पी ओ आर जैमपोर द नेक्स्ट इज नंबर थ्री द चिल्ड्रन मेड डैश कासल ऑन द बीच आंसर इज सेंड किसका वो घर बना रहे थे मिट्टी का बना रहे थे तो आंसर इज सेंड एस एंड इज सेंड रिया सेट इन ए बोट एंड हैड अ राइड इन द डैश उन्होंने बोट में बैठ कर किसके अंदर सवारी की थी तो सी के अंदर आंसर इज एस ई ए सी एट द बीच द इवनिंग स्काई वॉज लुक इवनिंग स्काई वॉज लुकिंग डैश कैसा लग रहा था स्काई इवनिंग टाइम पे कलरफुल दिख रहा था तो आंसर इज सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल कलरफुल रिया एंड हर मामाज फैमिली वेंट टू द बीच ऑफ डैश टू एन्जॉय दैम सेल्फ एंजॉय करने के लिए रिया एंड मामा की फैमिली कहाँ पर गई थी कौन से बीच पर तो दमन के बीच पर डी ए एम एन दमन देन लुक एट इन टू नेक्स्ट पेज राइट और रॉन्ग नंबर वन रियाज मामाज हाउस वॉज इन वापी आंसर इज राइट तो हमें यहाँ पर टिक करना है रिया वेंट इन ए कार फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हर मामास हाउस क्या रिया कार में बैठकर मामा के घर पे गई थी नो no. तो हमें यहाँ क्या करना है क्रॉस नंबर थ्री रियाज फैमिली वेंट इन ए बस विथ हर मामाज फैमिली फॉर अ ट्रिप ऑफ दमन तो क्या आएगा राइट right. वो लोग बस में बैठकर दमन गए थे येस रिया सो कैमल एंड हॉर्स ऑन द बीच रिया ने बीच पर कैमल एंड हॉर्सेस देखे थे यस, राइट एट द बीच स्मॉल चिल्ड्रन वेर स्विमिंग इन द सी आंसर इज रॉन्ग क्या छोटे बच्चे सी के अंदर स्विमिंग कर रहे थे नो no, क्रॉस आएगा रियाज फैमिली सेट इन ए स्टीमर एंड हैड अ राइड इन द सी क्या रिया की फैमिली स्टीमर में बैठकर राइड कर रही थी वो लोग ने स्टीमर में वो लोग स्टीमर में बैठे थे या बोट में बैठे थे लोग बोट में बैठे थे तो यहाँ पर लिखा है स्टीमर तो क्या आएगा क्रॉस आंसर इज रॉन्ग देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएट सो कॉलम ए में दिया है वापी वापी क्या है रियास मामास विलेज वापी इज रियाज मामास विलेज सो वी हैव टू राइट हेयर डी तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है डी दमन जामपुर बीच दमन पर क्या है जामपुर बीच है दमन में तो so हमें यहाँ लिखना है ई गांधी धाम गांधी धाम इज रियाज विलेज सो वी हैव टू राइट हेयर ए बूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कच्छ एक्सप्रेस भूज इज ए जो ट्रेन जाने वाली थी रिया वापी जाने वाली थी जिस ट्रेन पर बैठकर तो वो ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम था तो वो ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कौन सा स्टेशन था भूज स्टेशन सो आंसर इज बी तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैच द कॉलम समझ में आ गए होंगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये टेक्स्ट बुक में भी है और सेम ऐसे ही वर्क बुक में भी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क जैसे क्वेश्चन पूछे हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर्स देने हैं ट्रेन नंबर तो हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था सो आंसर इज नाइन जीरो थ्री सेवन डेट ऑफ जर्नी ट्वेंटी फोर ट्वेल्व ट्वेंटी एटीन टू थाउजेंड एंड एटीन कोच एंड सीट नंबर ए वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री फेयर फॉर टिकट टिकट के पैसे कितने थे रुपीज़ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी एट डिस्टेंस कितना डिस्टेंस था सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री किलोमीटर नेम ऑफ द ट्रेन ट्रेन का नेम क्या है देखो टिकट में ट्रेन का नेम कौन सा है अवध एक्सप्रेस तो हमें आंसर में लिखना है एक्सप्रेस वॉट इज द डिस्टेंस दैट ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम भुज टू गांधी धाम भुज से गांधी धाम का डिस्टेंस कितना है द ट्रेन ट्रेवेल डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी एट किलोमीटर टू रीच गांधी धाम फ्रॉम भुज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वीच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी सो so, कौन से दिन पर ट्रेन वापिस स्टेशन पहुंची थी द ट्रेन रीच वापी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी जर्नी के दूसरे दिन ट्रेन वापिस स्टेशन पहुंची थी नंबर फाइव हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन रिया ट्रैवल सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू किलोमीटर बाय ट्रेन कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू किलोमीटर कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो सिक्स एटी माइनस फिफ्टी एट इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू किलोमीटर्स सिक्स एटी टोटल डिस्टेंस है ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है सिक्स एटी और रिया कहाँ से बैठी थी गांधी धाम से बैठी थी तो फिफ्टी एट किलोमीटर्स हम माइनस कर देंगे बूथ से गांधी धाम का डिस्टेंस है फिफ्टी एट किलोमीटर्स तो वो हम माइनस कर देंगे तो गांधी धाम से लेकर वापिस स्टेशन का डिस्टेंस कितना होता है सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू किलोमीटर्स देन क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस हैव यू एवर विजिटेड एनी शीशोर बीच टू विच प्लेस क्या आपने कोई शीशोर मीन्स की दरिया किनारा विजिट किया है अगर है तो कौन सा है येस लास्ट ईयर वी हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू सौराष्ट्र हमने लास्ट ईयर सौराष्ट्र की ट्रिप की थी पिकनिक गए थे वहाँ पर थ्रू आवर स्कूल एट दैट टाइम वी वेंट टू द बीच ऑफ सोमनाथ एंड कोरवाड तभी हम कौन से बीच पर गए थे सोमनाथ एंड कोरवाड नंबर टू ऑन वॉट डिड रिया राइड ऑन द सी शोर रिया ने किस पर राइडिंग की थी रिया रोड अ हॉर्स एंड कैमल ऑन द बीच रिया ने घोड़े सवारी की थी और ऊंट की सवारी की थी बीच पर नंबर थ्री नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल ऐसी कौन सी वहीकल्स है जिसकी टिकट्स हमें खरीदनी होती है ट्रैवलिंग के लिए आंसर इज वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन बसेस ट्रेन बोट्स रोपवे स्टीमर्स एयरप्लेन एंड मेट्रो रेल्स तो ऐसे सारे व्हीकल्स में ट्रैवलिंग करने के लिए हमें टिकट्स की ज़रूरत है नंबर फोर वो हैड कम टू रिसीव रियास फैमिली एट वापी स्टेशन वापी स्टेशन पर रिया की फैमिली को रिसीव करने के लिए कौन आया था रियाज़ अंकल मीन्स की मामा एंड टू सन हैड कम टू वापी स्टेशन टू रिसीव रियाज़ फैमिली रिया की फैमिली को रिसीव करने के लिए रिया के अंकल मीन्स की उसके मामा एंड उनके जो दो सन मीन्स की आरव सॉरी अर्नव एंड श्रील इन विच लैंग्वेज इज द नेम ऑफ स्टेशन रिटर्न ऑन ए रेलवे स्टेशन इन गुजरात गुजरात के रेलवे स्टेशन पर कौन सी लैंग्वेज में नाम लिखे होते हैं स्टेशन के द नेम ऑफ ए स्टेशन इज रिटर्न इन गुजराती हिंदी एंड इंग्लिश कौन सी कौन सी लैंग्वेज है गुजराती हिंदी एंड इंग्लिश ये तीन लैंग्वेज से स्टेशन के ऊपर स्टेशन के नेम्स लिखे होते हैं देन क्वेश्चन नंबर सिक्स वेर इज जहांपोर बीच लोकेटेड जामपोर बीच कहाँ पर है तो जहांपुर बीच इज लोकेटेड ऑन द सी कॉस्ट ऑफ द मन नंबर सेवन वॉट डिड रिया सी इन द इवनिंग ऑन द बीच रिया ने क्या देखा था शाम के टाइम पर बीच पे इन द बीच इन द इवनिंग रिया सॉ दलरफुल स्काई उसने क्या देखा था कलरफुल स्काई एंड इट लुक्ड एज इफ द सन वॉज गोइंग डाउन इन टू द सी और सन कैसे दिख रहा था जैसे गोइंग डाउन इंटू द सी सी के अंदर जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाई डिड रियाज फैमिली टेक टू ऑटो रिक्शा टू गो टू मामाज हाउस मामा के घर पर जाने के लिए ये रिया की फैमिली ने दो ऑटो रिक्शा क्यों की थी सो आंसर इज रियाज अंकल मीन्स की मामा एंड हीज सन हैड कम टू वापी स्टेशन टू पिकअप रियाज फैमिली रिया की फैमिली को पिकअप करने के लिए उसके अंकल एंड उनके जो दो सन थे वो उन्हें लेने के आ लेने के लिए आए थे देर वेर फोर मेम्बर्स वो हैड कम फ्रॉम गांधी धाम और ऑलरेडी गांधी धाम से कितने मेम्बर्स आए थे फोर मेम्बर आए थे रिया उसका भाई उसकी माँ और उसके पापा सो वाइल रिटर्निंग देर वेर सेवन पीपल कैन नॉट ट्रैवल इन वन ऑटो रिक्शा एक ऑटो रिक्शा में सेवन पीपल ट्रावलिंग नहीं कर सकते हैं सो दे हैड टू एंगेज टू ऑटो रिक्शाज टू गो टू हर अंकल्स मीन्स की मामाज प्लेस इस वजह से उन्होंने दो ऑटो रिक्शा की थी उसके मामा के घर पर जाने के लिए नंबर टू समाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट थिंक कैंड राइट अबाउट सच प्लेसेस हमें कोई कोई जगह पर सम प्लेसेस पर जाने के लिए हमें एंट्री टिकट की ज़रूरत होती है तो ऐसे कौन से प्लेस है आंसर इज वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर प्लेसेज लाइक मूवी थिएटर सर्कस ड्रामा हॉल जू साइस सिटीज मैजिक शोज म्यूजियम एंशंट प्लेसेस लार्ज गार्डन ऑफ सम बिग सिटीज रिवर फ्रंट फ्लावर शो एक्सेट्रा तो ऐसी सारी जगह पर हमें अगर विजिट करना है तो हमें एंट्री टिकट की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डिड रिया सी ऑन जमपोर बीच रिया ने क्या देखा था जामपुर बीच पर देर वॉज ए ह्यूज क्राउड ऑन द बीच बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर पीपल वे आर एंजॉइंग डेम सेल्स ऑन द सी श्योर पीपल क्या कर रहे थे एंजॉय कर रहे थे दरिया किनारे पर सम पीपल वेर सीटिंग इन द बोट्स एंड हैविंग राइड इन दी कोई कोई पीपल सम पीपल्स वे आर सीटिंग ऑन द इन बीट सॉरी इन बोट बोट पे बैठे थे और सी की सवारी करने की मजा उठा रहे थे सम पीपल वेर राइडिंग हॉर्सेस वाइल्ड अदर वेर राइडिंग कैमल्स कोई हॉर्स के ऊपर सवारी कर रहे थे तो कोई कैमल के ऊपर सवारी कर रहे थे स्मॉल चिल्ड्रन वेयर मेकिंग सेंड कासल ऑन द बीच और छोटे बच्चे मिट्टी का घर बना रहे थे बीच के ऊपर क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट डिड रिया फैमिली डू ऑन जामपोर बीच रिया के फैमिली जामपोर बीच पर क्या कर रही थी रिया एंड हर ब्रदर मेड सेंड कासल ऑन जमपुर बिचरिया रिया और उसके जो भाई थे तो वो सब के वो सब लोग क्या बना रहे थे सेंट कासल बना रहे थे देन ऑल ऑफ देम सेट इन ए बोट एंड हैड अ राइड ओवर द सी रोड ऑन हॉर्सेज एंड कैमल्स और उन्होंने क्या किया बोट के अंदर बैठकर राइड किया सी के अंदर फिर हॉर्सेस के ऊपर उसके बाद उन्होंने क्या किया हॉर्सेस एंड कैमल राइडिंग की एंड हैड स्नैक्स ऑन द बीच और फिर उन्होंने नाश्ता किया बीच के ऊपर दे क्लिक सम फोटोग्राफ्स उन्होंने फिर पिक्चर्स थोड़ी क्लिक की एंड अल्सो रिकॉर्ड ऑफ यू वीडियोज और उन्होंने वहाँ पर थोड़े से वीडियो रिकॉर्डिंग किया क्वेश्चन नंबर फाइव विच डिटेल्स आर गिवन ऑन ए रेलवे टाइम टेबल रेलवे टाइम टेबल के ऊपर कौन सी डिटेल्स होती है आंसर इज द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑन अ रेलवे टाइम टेबल नंबर वन द डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ ईच ट्रेन तो रेलवे टाइम टेबल होता है उसके ऊपर क्या होती है सारे ट्रेन की डिटेल्स होती है कि कौन से रूट से कौन सी ट्रेन जाने वाली है द डिटेल्स अबाउट ईच स्टेशन दैट इज ऑन द रूट तो जो डिटेल होती है सारे स्टेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है उसके रूट के ऊपर डिटेल्स अबाउट अ ट्रेन विल रीच अ सर्टेन स्टेशन एंड द टाइम इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम देर और कौन से ए, कितने बजे से ट्रेन स्टार्ट होने वाली है वो सब डिटेल्स रेलवे टाइम टेबल के ऊपर होती है तो ट्रे, ट्रेन का रूट होता है रेलवे स्टेशन सॉरी स्टेशन का कौन से स्टेशन पर कितने बजे ट्रेन आने वाली है वो सारी डिटेल्स रेलवे टाइम टेबल पर होती है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों को लेसन नंबर एट वर्कबुक में फिलअप करना है अच्छी राइटिंग से फिलअप करना है और उसे लर्न करना है थैंक यू स्टूडेंट